हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैं फिर से लेके आई हूँ आप सबके लिए फ़िलोसोफ़र का प्यारा सा वीडियो। तो फ़िलोसोफ़र बनाने के लिए मैंने ये बेडशीट जो मेरे पास पुरानी रखी हुई थी, मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसकी जगह कोई भी फैब्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जिसे पुरानी साड़ी है, दुपट्टा है, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। उसमें आप लाइनिंग अटैच कर लीजिएगा। तो ये मेरे पास पुरानी बेडशीट रखी हुई थी, इसमें से मैंने पहले से फ्लोर सोफा का वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो इस बचे हुए पीस से ही मैं पीसेस कट करूंगी, जिससे कि हम फ्लोर सोफा बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें से पीसेस कट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह के ये 3 पीसेस हमने कट कर लिए हैं। तो आगे मैं इनकी मार्किंग आपको बताऊंगी। तो ये 1, 2, 3, ये 3 पीसेस हमारे हमने कट किए हैं, और 1 पीस ये हमारा सेंटर वाला है। तो ये हमने सेंटर के लिए कट किया है। तो ये जो 3 पीसेस हैं हमारे, इनकी अभी हम मार्किंग करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा पीस भी कट कर सकते हैं। तो इस तरह के 3 पीस हमने कट कर लिए हैं। तो अभी हम इनकी मार्किंग कर लेते हैं। तो लेंथ लिए हमने 21 इंच, और 21 इंच ही हमने इसकी विड्थ ली है। तो इस तरह से ये 3 पीस हमारे कट हो गए हैं। तो 2 पीस हमने साइड्स के लिए कट किए हैं, और 1 पीस हमने बॉटम के लिए कट किया है। तो बॉटम वाला पीस हमने साइड में रख दिया है, और ये जो 2 पीस हैं हमारे, इनको हम इस तरह से सीधी साइड अंदर की साइड रखते हुए दोनों पीसेस को इस तरह से हम बराबर करके रख लेंगे। तो दोनों पीसेस को हमने इस तरह से उल्टा करके रख लिया है। तो अभी हमें इनकी मार्किंग करनी है। तो ऊपर से हम इसकी मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो 6 इंच हम ऊपर से लेंगे और निशान लगा लेंगे। तो 6 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। अभी हम ऊपर से 9 इंच पे निशान लगाएंगे अंदर की साइड। तो इस तरह से 9 इंच पे हम निशान लगा लेंगे, और इस तरह से थिक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 9 इंच पे हमने इस तरह से अंदर की साइड निशान लगाते हुए इस तरह से थिक लाइन ड्रॉ कर ली है। तो ऊपर से लिया हमने 6 इंच, और ऊपर से अंदर की साइड लिया 9 इंच। तो अभी इस कॉर्नर से हम लेंगे 8 इंच, और 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। अभी निशानों को हम मिला लेंगे, इस तरह से थिक लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर आप बिगनियर्स हैं तो आप स्केल की मदद से इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने थिक लाइन ड्रॉ कर ली है। अच्छे से आपको दिखाई दे रही होगी, इस तरह से हमने थिक लाइन इसमें ड्रॉ कर ली है। अभी हमें दोनों कॉर्नर्स पे, इस कॉर्नर्स पे और दूसरे वाले कॉर्नर्स पे राउंड शेप देनी है। तो इस तरह से हम इसको शेप दे देंगे, और अभी दूसरे कॉर्नर्स पे भी हमें इसी तरह से राउंड शेप देनी है। तो अच्छे से शेप देने के बाद अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो बस इस तरह से हमारी कटिंग हो चुकी है, और ये 2 साइड्स वाले पीस हमारे कट हो गए हैं। तो ये हमारे साइड्स वाले पीस हैं, इनकी हमें लेंथ मापनी है। तो इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी जितनी भी लेंथ इसकी आएगी, उतनी ही लेंथ का हमें सेंटर वाला पीस कट करना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें इसकी टोटल लेंथ मापनी है। तो ये इंच टेप लिए हमने, इसको हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, इस तरह से घुमाते जाएंगे, और टोटल लेंथ हमारी 56 इंच की आ रही है। तो बस इतनी ही लेंथ का हमें सेंटर वाला पीस कट करना है। तो 56 इंच लेंथ लेते हुए सेंटर वाला पीस हमने कट कर लिया है। तो इस पीस को अभी हम साइड में रख देंगे, और ये हमारे साइड्स वाले पीस हैं। तो अभी हम इनको भी साइड में रख देंगे, और ये हमारा बॉटम वाला पीस है। तो ये हमने लिया है बॉटम वाला पीस। तो इसमें हम जिप अटैच करेंगे,
उसके लिए अभी हम इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करने के बाद अभी सेंटर से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो बस इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है और ये टू पीस हमारे रेडी हो गए हैं। तो अभी हमें इन दोनों ही पीसेस में जिप अटैच करनी है। तो ये जिप हमने ली है, इसको हम इसमें अटैच करेंगे। तो जिप अटैच करना मैंने आपको पहले भी बताया है। तो हमें इस तरह से सिंपल ये जो जिप है हमारी, इसको हम सीधी साइड अंदर की साइड रखेंगे इस तरह से, और सीधी इसमें सिलाई लगा लेंगे। फिर हम इसमें टॉप स्टिच लगा लेंगे। इसी तरह से दूसरे पीस पे इस तरह से जिप को रखेंगे सीधी साइड अंदर की साइड, इस तरह से सिलाई लगाते हुए बस हम टॉप स्टिच इसमें लगा लेंगे। तो इस तरह से हम जिप को अटैच कर लेंगे। तो ये जिप हमारी अटैच हो चुकी है। तो हमारी जो जिप थी उसकी लेंथ कम थी, इसलिए हमने इसमें पट्टी अटैच करके इसको बराबर कर लिया है। तो इस तरह से आप जिप की लेंथ बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा बॉटम वाला पीस रेडी हो गया है। अब हमने लिया है ये सेंटर वाला पीस, इसकी हम मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से इस पीस को हम पहले खोल लेंगे। तो ये जो हमारा सेंटर वाला पीस है, इसकी हम विड्थ मापेंगे। तो विड्थ हमारी इसकी है 21 इंच। तो अभी हम इस पीस को इस साइड से रखेंगे और इसकी लेंथ मापेंगे। तो टोटल लेंथ है हमारी 56 इंच, और 3 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा लिया है। तो ये हमारा एक्स्ट्रा है 3 इंच। तो अभी हम इस पीस को इस तरह से साइड में रख देंगे, और ये हमारे साइड्स वाले पीस हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाले हमारे साइड्स वाले पीस हैं। तो इसमें से वन पीस को अभी हम साइड में रख देंगे, और जो ये साइड वाला पीस है इसमें हम सेंटर वाले पीस को अटैच करेंगे। तो ये हमारा सेंटर वाला पीस है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसमें अटैच करेंगे सेंटर वाले पीस को, इस कोने से इस कॉर्नर तक। यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक हमें इसको इसमें अटैच करना है। तो ये जो साइड वाला पीस है इसको पहले हम इस तरह से उल्टा करके रख लेंगे, और ये हमारा सेंटर वाला पीस है इसको भी हम उल्टा करके रख लेंगे। यानी कि सीधी साइड अंदर की साइड रहनी चाहिए। तो इस तरह से कॉर्नर्स को कॉर्नर से मिलाते हुए, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इस तरह से पहले इसको पिनअप भी कर सकते हैं। पिनअप करने के बाद आप इसमें सिलाई लगाइएगा, और इस तरह से हम इसको घुमाते हुए सेंटर वाले पीस को साइड वाले पीस में अटैच करेंगे। इस कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए लास्ट इस कॉर्नर तक हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो इस कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हैं साइड वाला पीस हमारा अटैच हो चुका है। तो बस इसी तरह से हमें दूसरा वाला पीस भी इसमें अटैच करना है। तो ये जो सेंटर वाला पीस है इसको हम इस तरह से मिला लेंगे, और इस तरह से बराबर रखते हुए दूसरा जो साइड वाला पीस है इसको भी हम इसी तरह से अटैच करेंगे। सीधी साइड अंदर की साइड रखेंगे, और इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाते हुए हमें इस तरह से इसमें सिलाई लगानी है। तो लास्ट इस कॉर्नर तक हम इसमें सिलाई लगा लेंगे, यहां से लेके यहां तक। तो साइड वाला जो दूसरा वाला पीस था वो भी हमारा अटैच हो चुका है। यहां से लेके यहां तक हमने इसमें सिलाई लगा ली है। तो दोनों साइड वाले पीसेस को हमने अटैच कर लिया है, इस वाले साइड भी और इस दूसरी वाली साइड भी। तो दोनों पीसेस हमारे इस तरह से अटैच हो चुके हैं। अभी हमें बॉटम वाले पीस को अटैच करना है। तो हमारा जो बॉटम वाला पीस है, जो जिसमें कि हमने जिप अटैच करी थी, ये वाला पीस है हमारा, इसको हम इसमें अटैच करेंगे। तो इस तरह से इसके ऊपर हम रख लेंगे, और कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाते हुए इस तरह से हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से अच्छे से कॉर्नर को मिलाते हुए चारों तरफ हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो आप चाहे तो आप इसको पिनअप भी पहले कर सकते हैं इस तरह से, पिनअप करने के बाद आप इसमें सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरह से चारों तरफ हमने इसमें सिलाई लगा ली है। तो बॉटम वाला पीस भी हमारा अटैच हो चुका है। तो अभी हम जिप को ओपन कर लेंगे इस तरह से, और इसको हम सीधा कर लेंगे।
तो बस इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया है। तो ये पीस हमारा रेडी हो चुका है और आप देख सकते हैं चेयर जैसी शेप इसमें आ चुकी है। तो ये पीस हमारा एकदम रेडी हो गया है। तो अभी हमें इसको फिल करना है, तो पहले हम ऊपर की साइड से इसको फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हम जिप को ओपन करेंगे। तो आप इसमें क्या क्या चीज़ फिल कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो अगर आपके पास पुराना मैट्रेस है तो आप उसकी कॉटन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास पुराने पिल्लो हैं तो उसकी कॉटन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर फटे पुराने डैमेज कपड़े हैं तो आप वो भी इसमें फिल कर सकते हैं। या फिर सिलाई से बची हुई जो कतरने होती हैं वो भी आप इसमें फिल कर सकते हैं। या फिर जो शॉपिंग बैग होते हैं उनको आप छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके वो भी फिल कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, इसको अच्छे से दबा दबा के फिल करना है। तो अच्छे से दबा दबा के हमने इसको फिल कर लिया है। जो पुराने वेस्ट कपड़े थे उनको मैंने इसमें अच्छे से फिल कर लिया है। तो अभी हम जिप को बंद कर देंगे। तो ये हमने जिप को बंद कर दिया है। ये हमारी बैक साइड है, आप देख सकते हैं। तो ये फ्लोर सोफा हमारा बन के एकदम रेडी हो गया है। तो इसको बनाने के लिए हमारा एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। हमें इसमें क्या क्या चीज़ फिल करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह से आप जीरो कॉस्ट में घर में ही फ्लोर सोफा बना के तैयार कर सकते हैं। तो हमारा जो फ्लोर सोफा है उसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं, कितना प्यारा सा फिनिशिंग के साथ हमारा फ्लोर सोफा बन के तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसको घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। इसको बनाना बहुत ही आसान है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमने इसको बनाया है फटे पुराने वेस्ट कपड़ों से और पुरानी बेडशीट से। तो फ्रेंड्स, फटे पुराने कपड़ों को आप इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वेस्ट पुराने कपड़ों को इस्तेमाल करने का ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की वेस्ट मटेरियल पे वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे इसी तरह की इंटरेस्टिंग सी वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।